नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज की तरह हमने आपको कई सर्वे दिखाए, हर क्षेत्र में गए, हर विधानसभा की हर गली में गए। हमने सर्वे में एक बात निकल के सामने आई थी कि अगर आम आदमी पार्टी कोई गलती नहीं करती तो वो ये चुनाव क्लीन स्वीप कर रही है। मगर टीना गौतम, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अचानक वही अपनी गलतियां जो उन्होंने पंजाब में की थी, जो उन्होंने एमपी चुनाव में की थी, वही गलतियां काउंसिलर चुनाव में की थी, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में करने जा रही है? बिल्कुल सर, ये गलतियां ही हैं। अगर फेर बदल हो रहा है कैंडिडेट्स में, अगर एमएलए चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर जीत या हार का सवालिया निशान लगता है। क्योंकि एक बात ये है ना कि आम आदमी पार्टी शुरू से कहती है कि हमारे एमएलए ने काम किया है, हमने क्षेत्र में काम किया है, हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। अगर क्षेत्र में काम हुआ है, काम पे वोट आम आदमी पार्टी मांगती है, और हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि लोग बहुत संतुष्ट थे अपने एमएलए से, अपने हर विधानसभा में गए, मगर अचानक से ये क्या ऐसी रणनीति आम आदमी पार्टी ने अपनाई कि अपने विनिंग कैंडिडेट, दो दो बार के विनिंग कैंडिडेट, एक बार के विनिंग कैंडिडेट जो अच्छे अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे, उनकी टिकटें काट के कांग्रेस के उन एमएलए को देनी शुरू कर दी, उन काउंसलर को देनी शुरू कर दी जिनको जनता ने काट चुकी थी, जिनको उनकी पार्टी ने काट चुकी थी, जो आज से अपने क्षेत्र में भी नहीं रहे और उनको अचानक टिकट मिलनी शुरू। कहीं इसमें आपको भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? सर, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लगता है कि टिकट बट नहीं रही है, टिकटें बिक रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर लोगों से बातचीत करके, हमने सर्वे में जाना कि वहां के एमएलए ने लोगों के लिए काम किया है, अगर काम किया है तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दी जा रही है? जैसे कि अभी हम बात करें, हमने कई जगह सर्वे किए, हमारे ई रिक्शे गए, अलग अलग विधानसभा में गए, हमने बात करी, इतनी इतनी पॉजिटिव बाइट्स निकाली, पॉइंट मतलब पॉजिटिव थी तभी तो हमारे पास पहुंची। अगर एक विधानसभा के अंदर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ और 100 एपिसोड बना रहा हूँ और 1000 लोगों से, 1500 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो 1500 लोग तभी यस बोलेंगे जब उनके विधायक ने काम किया होगा। 1500 लोग ऐसे नहीं बोल देंगे, 1500 लोग को विधायक अरेंज नहीं करके देगा आपको, किसी को कोई विधायक, हम किसी को अरेंज नहीं करते। 500 लोग, 50 लोग अरेंज हो सकते हैं, 10-20-50 अरेंज हो सकते हैं, 1500 लोग अरेंज नहीं हो सकते हैं। मगर उसके बाद भी आम आदमी पार्टी में, जैसे कल राजकुमार ढिल्लों का हमने इंटरव्यू भी किया, चलाया भी दोस्तों, दर्शकों आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पैराशूट लैंडिंग करके आई राजकुमारी ढिल्लों, कहती हैं कि उनको टिकट मिल चुकी है, मतलब दो बार से विनिंग कैंडिडेट जगदीश। अच्छा, आपने तो विधानसभा में काफी सर्वे करा, हरिनगर जगदीश थे वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ मैंने हरिनगर में हर इंसान से बात की। मतलब हमारा जो सर्वे था वो किसी विधानसभा से नहीं, बूथ लेवल से था। हमने हर बूथ में जाकर लोगों से बातचीत की, एमएलए के काम को जाना, उन्होंने कितना काम कराया है, क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को दिए, वो सब हमें पॉजिटिव वे में देखने को मिली कि हाँ, वहाँ के एमएलए ने काम किया है। मगर अगर एमएलए ने काम किया है तो वो तो जो भी निगम पार्षद थी पूर्व कांग्रेस की, राजकुमारी ढिल्लों, वो कह रही है उन्होंने काम भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया तो मुझे कांग्रेस से बुला के टिकट दी जा रही है। तो आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही कांग्रेस विरोध पे हुआ था, वो क्या कांग्रेस विरोध से जुड़े, कांग्रेस से प्यार करने में जुड़ गई है क्या? सर, ये तो सोचने वाली बात है कि इतना बदलाव केजरीवाल सरकार कैसे कर सकती है। नहीं, मैं भी काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ कि जैसे अभी माहौल मिश्रा के बेटे अभी अभी चुनाव संपन्न हुए थे, तो एमपी के जो उनके फादर थे माहौल मिश्रा, वो उनके सामने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे बलबीर जाखड़, एक दूसरे को गरिया रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और अचानक उन्हीं के बेटे को टिकट भी दे, बुला भी लिया, और पार्लमसन की टिकट की चर्चा भी चल रही है। तो कहीं लगता नहीं कि अब कुछ पैसों का हेरफेर हुआ, या ऐसे कौन सा ब्रह्म ज्ञान केजरीवाल जी को अचानक मिल गया कि उन्होंने उठा के माहौल मिश्रा के बेटे को पालम की टिकट दी जहां भावनागढ़ ऑलरेडी है? सर, अभी तक हर जगह केजरीवाल जी जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपने एमएलए के काम गिनवा रहे थे, उन लोगों से उनकी एमएलए की तारीफें सुन रहे थे। अब जाने पता नहीं क्या हुआ कि कैंडिडेट्स ही चेंज होने लग गए। मगर इसके अंदर आप ये देखो, हम भी टाउन हॉल मीटिंग में गए थे, ये अपना दिल्ली हाट में जी। इसके अंदर भी अगर हमें कहीं ना कहीं हिंट मिल चुकी थी कि किस तरीके से हरिनगर विधानसभा के लोगों को क्वेश्चन करने का मौका कम मिला था, कहीं ना कहीं वहीं से एक हिंट मिलनी शायद चालू हो गई थी कि आम आदमी पार्टी के शायद इस विधायक को टिकट नहीं मिलने वाली। तो मतलब लगता है कि ये साठ गांठ और जो अचानक ज्वाइनिंग कराई गई, इसलिए तो नहीं कराई गई, तो शायद ये पहले की प्लानिंग हो, हमें ना दिखाई गई हो, या फिर लोगों को जो काम दिखाए गए हो उस वे में काम अब ना हो रहा हो। नहीं, मगर जैसे जगदीप है, दो बार की सिटिंग एमएलए हैं, कुछ 22,000 वोटों से जीते थे, 62,000 वोट क्षेत्र में उन्होंने उनको मिले थे, उसके बाद उनकी टिकट कट जाती है, लगभग कट चुकी है। जैसे उन्होंने कह दिया कि मुझे टिकट कांग्रेस से टिकट दी नहीं, आपने मेरी दोस्तों वीडियो में देखा होगा, उन्होंने साफ कहा कि मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देती, मुझे सूचना मिली तो मैंने आम आदमी पार्टी में जाकर टिकट ले ली। तो मतलब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी वैसे कांग्रेस की या बीजेपी की टिकट लेने वाले हैं?
सर जरूरत ही नहीं होने वाली थी अगर केजरीवाल सरकार ने उनके एमएलएज ने इलाके में काम कराया है, दिल्ली में काम कराया है, तो इस बदलाव की जरूरत कोई जरूरी नहीं। जैसे अभी हम नजफगढ़ गए, हाँ जी, वहां से सिटिंग एमएलए के खिलाफ कितने लोगों ने, हमने खुद देखा कि बिना नालियां हैं ना सड़कें हैं, बिल्कुल सब, तो लोग कह रहे हैं काम नहीं किया हमारे एमएलए ने, उनको टिकटें मिल रही हैं, और जिन्होंने काम किया उनको टिकट, और जिनके लोग कह रहे काम नहीं किया है उनको टिकटें नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे ही चैनल ऐसा था जिसने हर विधानसभा के बूथ लेवल पे सर्वे किया, बाकी सभी चैनल जो सर्वे दिखाए हैं उन्होंने सिर्फ केजरीवाल फोकस सर्वे दिखाए हैं, और हमने एमएलए बेस्ड विधानसभा लेवल सर्वे दिखाए थे, इसलिए हम बता सकते हैं कि कौन से विधायक ने कितना काम किया कितना काम नहीं किया, यही हमारे चैनल की यूएसपी थी। मगर उसके बाद भी जिस तरीके से ये माहौल बना, सर्वे चले, कुछ शक नहीं हो रहा आपको? सर हकीकत में सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने सर्वे के साथ साथ एक ओपिनियन पोल भी दिखाया था लोगों को कि कितने परसेंट तक केजरीवाल सरकार इलाके में रह पाएगी, इसमें तो काफी सोचने वाली बात है कि हम अपने ओपिनियन पोल से अगर ये टिकटें बदलती हैं तो क्या हमारा ओपिनियन पोल गलत नहीं होगा? सर अगर टिकटें बदलती हैं तो बेशक गलत होगा। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो सर्वे चले और सर्वे की जो रिपोर्ट आई, मगर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी वर्सेस केजरीवाल चुनाव था, और हम पहले दिन से कहते आए थे कि चुनाव किसी और के साथ नहीं है केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी वर्सेस केजरीवाल जी है, अगर केजरीवाल जी ने सही टिकटें दी तो केजरीवाल जी चुनाव जीतेंगे, अगर उन्होंने टिकटें गड़बड़ करी तो केजरीवाल चुनाव हार भी सकते हैं। मगर अब देखते हैं कि चुनाव सियासी ऊंट किस करोड़ बैठता है, केजरीवाल जी क्या गलती वही करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में करी, जो उन्होंने निगम के चुनाव में करी, जो उन्होंने पंजाब के चुनाव में करी, जो उन्होंने गोवा के चुनाव में करी, या वही गलती दिल्ली चुनाव में दोबारा दोहराने वाले हैं, या अपनी उन गलतियों से कुछ सीख लेते हैं? तो देखते हैं चुनाव की टिकट डिक्लेयर होने तक कि क्या चलता है आगे। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।